फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इवेपोरेशन। लास्ट टाइम जब हमने सेपरेशन मेथड पढ़े थे तो उसमें हमने सी वॉटर से सोल्ट को रिकवर किया बाय इवेपोरेशन मेथड। आज हमारे पास एक और मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले हम सेंट्रीफ्यूगेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अब इवेपोरेशन लेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन कहां यूज होता है डेली लाइफ में? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की अगर हम बात करें, अगर आप किसी डेयरी में जाते हो तो वहां पर वो मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं। एक मशीन होती है, उसको मिल्क को फास्ट स्पीड से रोटेट करते हैं जिससे अपर ट्यूब से क्रीम अलग हो जाती है और लोअर ट्यूब से स्किम भी। तो यही हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है। किसी भी सेपरेशन मेथड के लिए आपको दो या तीन बातें उसमें लिखनी है। पहला, वो मेथड किस चीज को सेपरेट कर रहा है, दूसरा उसका प्रिंसिपल क्या है, और तीसरा फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। तो हम ऐसे ही बात करते सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये कहां यूज होता है मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने में? तो पहली बात आपने बताया, दूसरा होता प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है इस मेथड में? उसमें क्या करते हैं, एक बड़े से कंटेनर में मिल्क को रखते हैं, उसको फास्ट स्पीड से रोटेट करते हैं। रोटेट करते टाइम उसके अंदर जो क्रीम है और स्किम मिल्क, दो चीजें, क्रीम जिसकी डेंसिटी कम होती है और स्किम मिल्क जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी एक लाइटर सब्सटेंस है एक हैवी। लाइटर क्या करेगा, अपर लेयर पे आएगा, हैवियर लोअर लेयर पे चला जाएगा। तो इस तरह से दो सेपरेट लेयर बन जाएगी और वन बाय वन हम दोनों लेयर को सेपरेट कर लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्रीम लोअर डेंसिटी की होगी एंड स्किम्ड मिल्क हैवियर डेंसिटी, यानी ये लोअर डेंसिटी या हाई डेंसिटी लिख सकते हैं। हाई डेंसिटी को आप हैवियर कह सकते हैं, इसको लाइटर बोल सकते हैं। लाइटर है और ये हाई डेंसिटी है, हैवियर सब्सटेंस। तो जब जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो जो लाइट सब्सटेंस होगा यानी क्रीम, वो अपर लेयर पे आ जाएगी और जो हैवी सब्सटेंस होगा वो लोअर लेयर पे आ जाएगा। ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन है। इस तरह से हम जैसे इंप्योरिटीज को सेपरेट करना वाटर से, हैवी इंप्योरिटीज होती है तो उसमें भी आप उसको इसी तरह से रोटेट करोगे, हैवी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी और जो लाइटर होगा वाटर वो ऊपर आ जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दो सेपरेट लेयर में, दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके घरों में वॉशिंग मशीन होती है, उसमें कपड़े को इस तरह से पानी में घुमाया जाता है कि डर्ट जो है वो सेपरेट हो जाती है और क्लीन क्लोथ सेपरेट हो जाता है। तो सेम सारे सेंट्रीफ्यूगेशन के बेस्ड है। अब आप इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है, प्रैक्टिकली कैसे ये बात पॉसिबल है देखिएगा। Centrifugation is based on size, shape,
density of the particles, viscosity of the medium, and speed of rotation. The principle of centrifugation is that when spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. The apparatus used for centrifugation is called a centrifuge. The centrifuge consists of a centrifuge tube holder called a rotor. The rotor holds balanced centrifugal tubes of equal amounts of the solid-liquid mixture. On rapid rotation of the rotor, the centrifuge tubes rotate horizontally, and due to the centrifugal force, the denser insoluble particles separate from the liquid. When the rotation stops, the solid particles end up at the bottom of the centrifuge tube with the liquid at the top. Materials required. Centrifuge machine. Centrifuge tube. Milk and distilled water. Procedure. Take a centrifuge tube and fill it 3/4 full of milk. Place the centrifuge tube in one of the holes of the rotor of the centrifuge. Take another centrifuge tube and fill it 3/4 full of distilled water. Place it opposite the first centrifuge tube to balance the centrifuge machine. Then, close the centrifuge machine and centrifuge the milk for 13 minutes. After 13 minutes, take the centrifuge tube containing milk from the machine and observe the changes. The fat rises to the top, resulting in a cream layer at the top and skim milk or plasma phase of milk at the bottom. From this, we can infer that when spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay on top. सेकेंड मेथड है हमारे पास इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन में एक्सपेरिमेंट के अंदर में सेटअप है, तो वही बात पहले इवेपोरेशन में आप ये करोगे कि ये इवेपोरेशन मेथड यूज कहां होता है। तो इवेपोरेशन मेथड इट इज यूज्ड कहां यूज होता है। It is used to separate dye from ink. अगर आपके पास ब्लू इंक है तो ब्लू कलर किस वजह से है उसमें? ब्लू कलर इस डाई की वजह से होता है। तो डाई होता है द सब्सटांस विच प्रोवाइड कलर, जो कलर प्रोवाइड करवाता है उसको आप डाई बोलते हैं। उसको सेपरेट करना है इंक, तो उसके लिए हम इवेपोरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। इसके लिए, इसके अलावा हमने पढ़ा था इट इज यूज टू सेपरेट सोल्ट फ्रॉम सी वॉटर। सी वॉटर से अगर आपको सोल्ट को सेपरेट करना था तो भी हम ये मेथड यूज करते। क्या प्रिंसिपल होता है? प्रिंसिपल सी वॉटर में आपने किया था, हम क्या करते थे वॉटर को लैगून्स के अंदर रखते थे। लैगून्स आप कंटेनर का काउंट कर सकते हो, चाइना डिश ले सकते हो, उसमें सी वॉटर लेंगे, उसको सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट में रखते ही वॉटर इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे सोल्ट कर जाएगा। उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऐसा है जो वेपोराइज हो जाता है यानी वोलेटाइल है, जैसे लिक्विड है वो वोलेटाइल है, वेपोराइज हो जाएगा। जो उसमें सॉलिड होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा यानी वो वेपोराइज नहीं होगा। तो ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ
टू कंपोनेंट या टू सब्सटेंस, वन इज वोलेटाइल, वोलेटाइल मीन्स जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, वन इज वोलेटाइल एंड अदर इज नॉन वोलेटाइल, यानी एक जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए और दूसरा जो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो, तो दो कंपोनेंट का मिक्सचर हो। इसी तरह से हमें सेपरेट करना है डाई को इंक से। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर सी वॉटर से सोल्ट को रिकवर करना है तो हम वॉटर को चाइना डिश में लेंगे, उसको हीट कर सकते हैं। अगर सनलाइट पॉसिबल नहीं है तो आप उसको हीट करते हो, वॉटर इवेपोरेट हो जाता है, सोल्ट रह जाता है। लेकिन इस केस में इंक को हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं दे सकते, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग से ये जो डाई है कलर सब्सटेंस, इसके डीकम्पोजिशन के चांसेस होते हैं। अगर ये डीकम्पोज हो जाएगी तो इसका कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो आपको रिकवर नहीं होगा। इस केस में हम देख सकते हैं, हम इसको वॉटर बाथ के तौर पे यूज करते हैं। हमने क्या किया, नीचे बंसन बर्नर लगाया, ये वायर ब्लेड और उसके ऊपर बीकर रखा हुआ, बीकर में ये वॉटर है। हम इस हीट की हेल्प से वॉटर को इवेपोरेट करें, वॉटर से जो हीट निकले रिलीज होगी वो हीट से इस यहां आपने इंक रखी हुई है, ये वॉच ग्लास के ऊपर इंक है, तो उस हीट से इस इंक को आप हीट दोगे, तो डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं है, वॉटर बोथ से। तो जैसे ही यहां से लिक्विड कंपोनेंट जो है वो इवेपोरेट होगा तो सॉलिड कंपोनेंट रह जाएगा और सारा लिक्विड जो है इवेपोरेट हो जाएगा। इस मेथड के अंदर लिक्विड आपको रिकवर नहीं होगा, ओनली डाई रिकवर हो जाएगी। तो इवेपोरेशन में हम डाई को रिकवर करते हैं हम इंक से, चाहे ब्लू इंक हो ब्लैक इंक हो, तो वो आप रिकवर कर सकते हो इवेपोरेशन मेथड से। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करनी, अदरवाइज डीकम्पोजिशन के चांस होते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग से डाई डीकम्पोज हो सकती है और आपको ये जो है इसका कलर डिसअपीयर हो जाए।